क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी एंड फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर एट जनरल टाइम टी। हमें चार्ज और क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हमेशा क्या दिया जाता है, जब कैपेसिटर अक्रॉस आर इफेक्टिव निकाला जाता है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बैटरी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर जब निकालते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, तो उस केस में हमारे पास क्या दिया जाता है, अक्रॉस द कैपेसिटर रिमूव बैटरी। तो बैटरी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एंड स्विच क्लोज, स्विच को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर निकालते हैं तो बैटरी का कोई रोल हमारे पास नहीं होता। तो इस केस में बैटरी को क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है। तो हमारे पास आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, थ्री और थ्री क्या है हमारे पास सीरीज में, थ्री और थ्री हमारे पास क्या है सीरीज में, तो थ्री और थ्री सीरीज में और ये तीनों क्या है फिर आपस में पैरेलल में, तो हमारे पास आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, आर इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास थ्री थ्री, यानी कि आर इफेक्टिव थ्री थ्री हमारे पास क्या है सीरीज में और इसके सिक्स के साथ क्या हो गया पैरेलल में, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव थ्री, तो हमारे पास आर इफेक्टिव नेट क्या आ जाएगा, वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स, यानी कि इन दोनों का सिक्स आ जाएगा, सिक्स ओम और इन दोनों को फिर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू बाय सिक्स यानी कि थ्री ओम आ जाएगा आर इफेक्टिव। तो हमारे पास नेट आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, नेट आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व ओम आ जाएगा, नेट आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा ट्वेल्व ओम, बिकॉज सॉरी 12 प्लस 3 यानी कि 15 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट आर इफेक्टिव आ जाएगा 15 ओम। करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V बाय R यानी कि 180 डिवाइड बाय में 15, कितना आ गया हमारे पास 12 एम्पियर करंट आ गया। तो इसमें से 12 एम्पियर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 6 एम्पियर और इधर जाएगा 6 एम्पियर। बैटरी में से 12 एम्पियर करंट निकल रहा है ना कि कैपेसिटर में से, हमें कैपेसिटर की अक्रॉस बताना है करंट, तो ये तो 12 एम्पियर बैटरी में से निकल रहा है तो कैपेसिटर में कितना जा रहा है 6 एम्पियर। तो आई हमारे पास क्या होता है, आई मैक्स ई नोट की पावर टी माइनस टी बाई आर सी, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मैक्स यानी कि 6 ई नोट माइनस टी बाई आर, कितना है हमारे पास आर इफेक्टिव 15 इंटू में और ये कितना है 12 माइक्रो फेराड यानी कि 12 इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो में है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आई मैक्स आ गया हमारे पास 15 इंटू में 12, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू में 12 आर इफेक्टिव। अगर नेट हमें निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा आर इफेक्टिव, हमारे पास नेट जो आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होएगा 12 और 6 क्या है पैरेलल में, तो हमारे पास 6 इंटू में 12 डिवाइड बाय में आर इफेक्टिव नेट अक्रॉस द कैपेसिटर निकालेंगे तो प्लस में 12 ये क्या आ जाएगा 4 ओम, और 4 और 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 आ जाएगा 10 ओम, तो यहाँ पर आर सी क्या आ जाएगा 10 इंटू में 12 यानी कि 120 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 आई आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब होगा, कैपेसिटर हमारे पास फुल्ली चार्ज कब होगा, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया कैपेसिटर फुल्ली चार्ज टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही होता है जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर जिसमें लगा था उस ब्रांच को क्या कर दिया जाता है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हमारे पास आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा इसमें 18 ओम आ जाएगा, क्योंकि 6 और 12 क्या आ जाएगा 6 और 12 18 ओम आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे नो करंट इन द कैपेसिटर, चार्ज फ्लो करेगा ओनली और कैपेसिटर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फुली चार्ज हो जाता है। तो आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 6 प्लस 12 यानी कि 18 ओम हमारे पास क्या आ गया आर इफेक्टिव, तो आई कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय में 18 यानी कि कितना आ गया 10 एम्पियर का क्या आ गया करंट आ गया। तो इसमें से 10 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें से कितना जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर का करंट जाएगा, तो कैपेसिटर में हमारे पास कितना करंट जाएगा 10 एम्पियर का करंट होगा। देन हमें पता है इसमें 10 एम्पियर का करंट जाएगा तो हमारे पास जो Q आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q अगर हम देखें तो ये किसके इसके साथ पैरेलल में, तो इसका जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 120 वोल्ट, इसका पोटेंशियल क्या होगा 120 वोल्ट, और ये कैपेसिटर है इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए 120, तो यानी कि Q बाय C इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, Q हमने यहाँ पे निकालना है, C हमारे पास क्या है 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, यानी कि Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 120 इंटू में 12 यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया Q आ गया हमारे पास
दिस इज द तो हमारे पास ये ऐसे भी हम इसमें क्या निकाल सकते हैं क्यों निकाल सकते हैं तो अगर हम इसमें केवीएल अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा केवीएल अप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू यानी कि यहाँ से हम शुरू करें तो प्लस क्यू माइनस क्यू यानी कि माइनस क्यू बाय 12 प्लस 18 180 और माइनस 120 इक्वल टू क्या आ गया जीरो क्योंकि इनमें से तो कोई करंट जा नहीं रहा तो नो रोल इन दिस तो इसमें से इसको हमने क्या कर लिया केवीएल अप्लाई कर दिया क्यू बाय 12 माइनस क्यू बाय 12 120 और प्लस 180 तो हमारे पास यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 720 माइक्रो कूलम हमारे पास क्या आ गया क्यू आ गया 720 माइक्रो कूलम क्यू आ गया हमारे पास तो हमारे पास क्यू कितना आ जाएगा क्यू इक्वल टू होता है क्यू मैक्स 1 माइनस ई नोट की पावर माइनस टी बाय आर सी ये हो जाएगा हमारे पास तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 720 वन माइनस ई नोट की पावर टी माइनस आर सी कितना आ जाएगा 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैपेसिटर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा 720 वन माइनस ई नोट की पावर टी बाय आर सी बस हमें क्या निकालना तो है नेट आर इफेक्टिव है तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आर इफेक्टिव निकालते हैं तो उस केस में हमारे पास जो बैटरी होती है उसको रिमूव कर देते तो 12 एम्पियर करंट गया 12 एम्पियर बैटरी में से निकला तो कैपेसिटर में से कितना गया 6 एम्पियर तो I इक्वल टू क्या है 6 ई नोट टी माइनस टी वाई में 10 इंटू 12 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 अब हमें क्या निकाला कैपेसिटर चार्ज फुली चार्ज तब होगा जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा इस ब्रांच को हटा दिया जाता है तो 12 प्लस 6 18 आ गया तो करंट कितना फ्लो करेगा 10 एम्पियर का तो यहाँ से हमने इस पे केवीएल लगा दिया तो केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू बाय 12 प्लस 180 और माइनस 12 यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू तो माइनस क्यू बाय में 12 प्लस 180 और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्योंकि इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर तो 120 इक्वल टू q आ गया 720 माइक्रो कूलम q इक्वल टू होता है q मैक्स 1 माइनस e नोट t बाय r c तो दिस इज द क्वेश्चन।